हाय, कोंड्रो मलेशिया पटेला के बाद आप रनिंग करना कब स्टार्ट कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर आस्था फ्रॉम फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, टीम ऑर्थो स्पोर्ट, गुड़गांव, मुंबई, बेंगलोर। तो कोंड्रो मलेशिया पटेला अगर आपको है तो आप रनिंग कब स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपनी बैक टू नॉर्मल एक्टिविटीज़ में कब जा सकते हैं, इसी टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कोंड्रो मलेशिया पटेला होता क्या है। तो कोंड्रो मलेशिया पटेला में, क्योंकि घुटना आपका एक लोडेड जॉइंट है, तो कोंड्रो मलेशिया पटेला में जो आपका घुटना है वो ठीक तरीके से लोड एब्जॉर्व नहीं कर पाता है। कई कारणों की वजह से ये हो सकता है, आपके मसल्स की वीकनेस की वजह से हो सकता है, प्रायर कोई इंजरी है, पहले कोई हिस्ट्री ऑफ इंजरी है उसके कारण भी हो सकता है, आपका घुटना हाई डिमांड नहीं है उस कारण भी हो सकता है, और आपने कोई इंजरी प्रिवेंशन प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है, फॉलो नहीं किया, अगर आप एक एथलीट हैं तो उस कारण भी आपको कोंड्रो मलेशिया पटेला हो सकता है। कोंड्रो मलेशिया पटेला में जो आप फीमर और पटेला बोन के बीच का जो कार्टिलेज होता है वो टाइम के साथ जो है सॉफ्टन होने लग जाता है और आपका जो कार्टिलेज है वो घिसने लग जाता है। तो इन कारणों की वजह से आपको जो है पेन आता है, डिस्कम्फर्ट आता है लोडेड पोजिशन में। तो अभी हम बात करेंगे बैक टू रनिंग कैसे जाएँ। तो बैक टू रनिंग एक लोड डिराइव्ड एक्टिविटी है, इसमें आपके घुटने पर काफ़ी लोड आता है। तो सबसे पहले बैक टू रनिंग जाने के लिए हम आपके घुटने को अनलोडेड पोजीशन में जो है एडेप्ट कराएंगे लोडेड पोजीशन में जाने के लिए। इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका जो पेन है वो किस लेवल का है। क्या आपको पेन खड़े होते ही काफ़ी ट्रिगर्ड हो जाता है, हाई फ्रिक्वेंसी पेन है, तो हम सबसे पहले सारी एक्टिविटीज़ को बंद कर देंगे और अनलोडेड पोजीशन में, अनलोडेड आपका जो है स्ट्रेंथनिंग पर फोकस करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको जो है पेन काफ़ी एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ में आता है, लाइक रनिंग करने के बाद, 2 से 3 किलोमीटर रनिंग करने के बाद आपको पेन स्टार्ट होता है, तो फिर आप रनिंग करना कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके रनिंग का पेस, फ्रिक्वेंसी एंड टाइमिंग कितना रहेगा वो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपका जो है काफ़ी पेन काफ़ी ट्रिगर्ड रहता है, हर छोटी एक्टिविटीज़ के बाद आपको पेन आ जाता है, तो सबसे पहले हम आपको एक फिजियोथेरेपी प्रोग्राम ज्वाइन करने की ज़रूरत है, जिसमें कम से कम 6 हफ्ते का प्रोग्राम आपका रहेगा, और उसमें पहले आपका अनलोडेड पोजिशन में आपका क्वाड्स एंड ग्लूट्स, आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स पे एंड ग्लूट्स मसल्स की एक्सरसाइजेस कंटिन्यू रहेंगी। अब आप देखना चाहते हैं इन एक्सरसाइजेस को ऐड करने के बाद, 6 हफ्ते का प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद आप बैक टू रनिंग कब जा सकते हैं। तो क्वाड्रिसेप्स और ग्लूट्स की एक्सरसाइजेस क्या क्या करनी चाहिए वो आप हमारे वीडियोज़ में देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि आप बैक टू रनिंग कैसे जाएं, ये आपको कैसे पता चलेगा। अगर आप अपनी बॉडी के 30%, मान लीजिए आपका बॉडी वेट 90 kg है, तो आप 30% वेट के साथ जो है लेग एक्सटेंशन कम्प्लीटली परफॉर्म कर पा रहे हैं, फ्री वेट के साथ फुल डेप्थ में स्क्वाट लगा पा रहे हैं 15 से 20 किलो वजन के साथ, सिंगल लेग की एक्टिविटी, सिंगल लेग स्क्वाट, सिंगल लेग आरडीएल ये आराम से कर पा रहे हैं, आप इसेंट्रिक ग्लूट्स ब्रिजिंग परफॉर्म कर पा रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें आप 6 हफ्ते के फिजियोथेरेपी रिहैब के बाद आराम से फॉलो कर पा रहे हैं, ये सब पेन फ्री होकर ये सारी एक्सरसाइजेस कर पा रहे हैं, तो आप बैक टू रनिंग के लिए जा सकते हैं। अभी बैक टू रनिंग आप डायरेक्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि कोंड्रो मलेशिया पटेला के बाद कोई भी ऐसी गाइडलाइंस नहीं है कि आप 6 हफ्ते 8 हफ्ते या इतने समय के बाद बैक टू रनिंग जा सकते हैं। आप पेन फ्री होने चाहिए और आप लोडेड पोजिशन में सारी एक्टिविटीज़ जैसे कि बताई ये सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कम्फर्टेबल होकर परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक डिस्टेंस रनिंग प्रोग्राम बना के देंगे। मान लीजिए आप पहले हफ्ते में 2 बार रनिंग कर रहे हो 20-20 मिनट के लिए, तो आप 5 मिनट रनिंग टाइमिंग और इंक्रीज करेंगे नेक्स्ट वीक, और हफ्ते में 2 दिन की जगह आप हफ्ते में नेक्स्ट वीक 3 दिन रनिंग करेंगे। पहले हफ्ते में अगर आप हफ्ते में 2 दिन रनिंग 20-20 मिनट के लिए कर रहे हो, तो नेक्स्ट वीक में आप हफ्ते में 3 दिन रनिंग करेंगे और 25-25 मिनट के लिए करेंगे। आपकी रनिंग का पेस, वॉल्यूम, फ्रिक्वेंसी क्या रहेगा ये आप अपनी फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर गाइडेंस में ही परफॉर्म करेंगे। तो कोंड्रो मलेशिया पटेला अगर आपको है तो आप कभी भी टाइम देख के बैक टू रनिंग और बैक टू एक्टिविटीज़ नहीं आएंगे। जो एक्सरसाइजेस आपको बताई गई हैं जैसे कि लेग स्ट्रेंशन और अदर एक्सरसाइजेस, ये सब आप इजीली परफॉर्म कर पा रहे हैं, और सारी एक्टिविटीज़ जो लोडेड एक्टिविटीज़ है उनमें आप पेन फ्री हो गए हैं, तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस के साथ आप बैक टू रनिंग वापस जा सकते हैं। अगर आपकी कोई और भी क्वेरीज हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। ऑर्थो स्पोर्ट्स इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी।